कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते घर बैठे शहरवासियों को पानी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीएल वर्मा ने बताया कि बीसलपुर में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है और हर 48 घंटे के दौरान हर क्षेत्र में नियमित पेयजल सप्लाई की जा रही है। किसी भी इलाके में पेयजल की कोई किल्लत नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। वहीं पानी के बिलों को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीएल वर्मा ने बताया कि फिलहाल राज्य सरकार के मुख्य शासक सचिव द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें मार्च और अप्रैल के पेयजल बिलों को स्थगित किया गया है। जून माह में एक साथ 4 माह का बिल भेजा जाएगा जिससे लोगों को परेशानी ना हो। जहाँ तक देखिए अजमेर शहर की सप्लाई को लेकर के प्रश्न है, हमारे पास बिसलपुर बांध में पर्याप्त पानी है और अभी हम जो शहर के 282 जोन है उनमें 48 घंटे के अंतराल से पर्याप्त पानी हम दे रहे हैं और किसी को कोई समस्या नहीं है और ना ही गर्मी में कोई समस्या आएगी। छोटी मोटी कोई कंप्लेंट आती है, कोई लीकेज की है, किसी की पर्टिकुलर है, तो वो हम तुरंत अटेंड करवाते हैं और हमारे जो नल गोदाम पे हमारा जो एक्शन ऑफिस है वहाँ पर हमारा जिले का कंट्रोल रूम है, वहाँ पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी तुरंत उसका निदान किया जाता है। जहाँ तक उपभोक्ताओं के पानी के बिलों का सवाल है, हमारे प्रमुख शासन सचिव महोदय ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोविड-19 के दौरान राहत देने के हिसाब से जो अप्रैल और मार्च के जो बिल है उनको अभी स्थगित करके और आगे जून महीने में इसको लिए जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसलिए और कोई दूसरा कोई इसके अलावा कोई आदेश नहीं है।